आखिर कद तक लगते रहेंगे गुरुओं की धरती श्री आनंदपुर साहब की धरती के हिक के लंबू, आखिर कद तक जलते रहेंगे बेजवान पशु पक्षी से प्राणी। जी हाँ बिल्कुल, इस वेले असं खड़े हाँ श्री आनंदपुर साहब में जाने वाले मुख्य मार्ग से संगतपुर पुल के बिल्कुल नज़दीक, जिते तुम देख सकते हो ये सरकारी जमीन जिस करोड़ों की वन संपत्ति हो, करोड़ों के बूटे लगे हुए हैं तो जिसनों कि जला के राख करता गया है। मैं तस्वीर थले तक दिखाने की कोशिश कर रहा है कि बिल्कुल सब कुछ तबाह करता गया है, दूर दूर तक इस जंगल का नामो निशान मिटाने की कोशिश की गई है, जिसे भी हजार ही और छोटे छोटे बूटे जिन्हें कि व्डे होकर एक वातावरण शुद्ध करना सी, लोगों शुद्ध हवा देनी सी, उसको तबाह करता गया, उस अग लगा दी गई है। जी सवाल ये उठता है कि आखिर ये अग कौन लगा रहा है, इस पिछे की कारण है कि कुछ अपनियां बरीकियां अपनियां कमजोरियां छुपाने लिए क्या वन विभाग वालों अग लगाई जा रही है जा कुछ शरारती तत्तां ने वालों ये अग लगाई जा रही है। सो असी बिल्कुल तुहानू लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं, सामने श्री आनंदपुर साहब नू जान वाला मुख मार्ग है। सो सामने तुसीं देख सकते तस्वीर, तो उसके बिल्कुल एक पासे इंडस्ट्रियल क्रैशर का एरिया भी इतने तुहानू दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल क्रैशर का एरिया है। एक पासे पहले ही प्रदूषण फैलिया होया है, इसके कारण एक वड्डा प्रदूषण फैलिया होया क्रशर के एरिया करके, तो दूजे पासे ये अग लगाण पिछे की साजिश है, एक वड्डा कारण वड्डा सवाल प्रशासन से भी खड़ा होंदा है, खास तौर पर वन विभाग के उपर एक वड्डा एलीगेशन खड़ा होंदा कि आखिर ये अग लगाण लई कौन जिम्मेदार है। सो बिल्कुल ये तस्वीर लाइव तुम देख सकते हो, असं कोशिश भी करते हैं लाइव तौर पर गलबात करने लिए SDM साहब ने गलबात करने की कोशिश करते हैं कि वह गलबात करते कि नहीं। सो बिल्कुल एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर बिल्कुल किसने ये अग लगाई है। सो असी बिल्कुल असं फोन लगा रहे हैं SDM श्री आनंदपुर साहब केशव जी ने कि आखिर वह गल करते कि नहीं, रिंग जा रही है, गल करने की कोशिश की जा रही है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मेरा पंजाब न्यूज़ तो दिनेश गल कर रहे हैं जी। हाँ जी, हाँ जी। सर लाइव फोन ले रहे सर, प्लीज से बेनती है जी, श्री आनंदपुर साहब जो नूपुर तो रास्ता जाता संगतपुर दे, मेरी तो जी ट्रांसफर हो गई है जी। ठीक है सर, ठीक है जी। सो इन्हां दी बदली हो चुकी है, मौजूदा SDM साहब नाल गल करने की कोशिश करते हैं। सो बिल्कुल इस वेले एक वड्डा सवाल प्रशासन से खड़ा होंदा कि कौन इस चीज़ लई जिम्मेदार है। सो जे असी गल करिए श्री आनंदपुर साहब की पवित्र धरती उत्ते अग लगाई गई है, हर गर्मियों में अग लगती है, आए दिन इस पर सवाल खड़ा होंगे कि अग लगाने लिए कौन जिम्मेदार है। सो असी जे जिन्हें भी प्रशासन के अधिकारी लाइव देख रहे असं उन्होंने बेनती करते हैं कि अजिहियां हरकतों को रोकिया जाए। सो असी लाइव चीज़ें होर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, देख सकते हो लाइव चीज़ें कि किस तरीके दे नाल सारी वन संपत्ति जला के राख कर दी गई है। जी बिल्कुल ये तस्वीर श्री आनंदपुर साहब नूं जाण वाले मुख मार्ग से बिल्कुल संगतपुर पुल दे बिल्कुल नज़दीक पै रही है। सो ये असी कोशिश कर रहे हैं, सो बिल्कुल असी तुहाडे नाल गल करने की कोशिश कर रहे हैं जी, देख सकते हो। सो बिल्कुल ये मार्ग जो कि जलंधर हुशियारपुर गढ़शंकर यही मार्ग जाता है, नूरपुर तो आनंदपुर साहब नूं यह मार्ग जाता है। सो बिल्कुल सारी वन संपत्ति जल के राख हुई है, दूर तक कोई भी जंगल के हरे भरे बूटे बहुत सारे तबाह हो गए हैं, बेशक कुछ बूटे खड़े ने पर जे वो छोटे बूटे जो कि बिल्कुल जिन्होंने कि अगे होना सी, इस पिछे की कारण है, आखिर ये बूटे क्यों बढ़े गए, इस पिछे सवाल खड़ा होंदा है। एक वड्डी जांच का विषय है कि इत्थे ये अग क्यों लगाई गई है, आखिर इस अग लगाने लई इत्थे की कारण हो सकता है। जे असीं गल करिए एक वड्डा रकबा ये फैल रहा है, जिथे तक असीं गल करिए पिंड थाने नूं थाना पिंड नूं ये जमीन लग रही हुई है, सो बिल्कुल उत्थे तक ये गल जा रही है। सो तुसीं देख सकते हो लाइव तुसीं राम, सो आओ असीं अगे तक दी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इंडस्ट्री जो क्रैशर का एक पासे क्रैशर का एरिया जी, उसके कारण भी माइनिंग के कारण भी पोल्यूशन फैल रहा है, तो पहले ही इत्थे बिल्कुल पोल्यूशन करके एक वातावरण गंदला हो रहा सी, तो हुण अज जो कि इत्थे अग लगा दी गई है की कारण हो सकते हैं, बहुत गुजे कारण हो सकते हैं, असी कोशिश करते हैं थले तक जाने की जे पॉसीबिलिटी हो सकती तो अभी लाइव से कोशिश कर रहे हैं अगे तक अगर नीचे तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। सो देख सकते हो लाइव तस्वीर बिल्कुल, सो प्रशासन अधिकारियों भी फोन ट्राई कर रहे हैं, हाले तक कोई फोन रिसीव नहीं किया जा रहा, पिक नहीं किया जा रहा। SDM साहब केशव जी ने गल हुई थी उन्होंने ट्रांसफर हो चुकी है, सो असी मौजूदा SDM साहब ने गल करने की कोशिश कर रहे हैं जी। सो बिल्कुल सो असी कोशिश कर रहे हैं जी,
जी बिल्कुल श्री आनंदपुर साहब के नाल लगता एरिया जी। सो असी SDM साहब गुरिंदर सिंह जोहल जी ने गलबात करने की कोशिश करा तो उन्होंने फोन बिजी आ रहा है। हैलो सत श्री अकाल सर। सर मेरा पंजाब न्यूज़ तो दिनेश गल कर रहा जी। सर एक लाइव फोन लै रही थी थोड़ा सी जो श्री आनंदपुर साहब न रास्ता जा रहा नूरपुर तो सर तो हाँ जी सर जो श्री आनंदपुर साहब तो नूरपुर बेदी रास्ता जा रहा जी मुख मार्ग है जी। सर उत्थे ना जो एक बिल्कुल राइट साइड संगतपुर के कोल बड़ा सारा जंगल खड़ा हुआ जिन्हों की बिल्कुल टोटली जला के राख कर दिता गया जी। वो अच्छा बिल्कुल ये कोई कारण पता नहीं किसने अग लगाई है पर जे अभी गल करिए सर बहुत सारे रुख बिल्कुल जल के तबाह हो गए जी। अच्छा जी। हाँ जी सर। सो सर किस तरह प्रशासन इस संबंधी कोई एक्शन लवेगा सर? मैं DFO तो हुणे रिपोर्ट लेना जी इहदे बारे जी एक तर, हाँ पता करदे आं कि किवें होई गल रिपोर्ट आ जांदी है फिर आपां गल कर सकदे। ठीक ठीक। सो बिल्कुल SDM गुरविंदर जोहल नाल गल कीती है उन्होंने एक आश्वासन दिता है कि DFO तो इस संबंधी रिपोर्ट मंगी जाएगी पर असीं ये बेनती करते हैं गुजारिश करते हैं प्रशासन नूं कि इस मामले एक एक अधिकारी नूं तलब किया जाए ता जो इसकी सच्चाई सामने आए कि आखिर जेकर कुछ जंगल तो कोई व्यक्ति अपनी लोड़ लई एक या दो रुख वढ लैंदा है तो उससे मुकदमा दर्ज किया जाता है उससे कानूनी कार्रवाई की जाती है। ये वड्डी गिनती रुख जला के तबाह किए गए हुण देखना यह होगा कि प्रशासन वल्लों इस संबंधी कार्रवाई की जाती है जां बिल्कुल उसनों भी नॉर्मल तरीके नाल छड्डता जांदा पर वड्डा सवाल खड़ा हुंदा है कि आखिर इस अग नूं लगाउण पिछे की साजिश हो सकती है। सो अपने सहयोगी मनोज तिमान जी नाल मेरा पंजाब न्यूज़ तो दिनेश हलन श्री आनंदपुर साहिब।